और आज के औरत शरीफ के ताल्लुक से अल्लाह की मर्जी के मुताबिक आज हमारा औरत शरीफ अंजाम आ रहा है। हमें कोई न दुख है और मशहूर बात मर्जी मौला अज़हमा औला का मतलब ये नहीं मालूम। अल्लाह की मर्जी हमारे लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा है, यानी सब पर वो फौकियत रखती है। अज़हमा औला सबसे औला है, समझे? तो जो अल्लाह की मर्जी हम उससे खुश और राजी। हमें तो ऐलान से मतलब है। साबिर साहब के खादिम ने अर्ज किया, हुजूर आज मेरे मुर्शिद के उर्स की तारीख है। तो आपने फरमाया देख ले कुछ है नहीं खादिम से। तो उन्होंने देख कर अर्ज किया, हुजूर ताक में दमड़ी पड़ी है। दमड़ी सुनी है, कोई चीज चलती होगी उस वक्त। फरमाया इसका शीरा ले आओ। शीरा लाया गया। आपने उस शीरे को सामने रखकर फतहा का इहतमाम किया। उधर हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, जिनके मर्तबे का भी कुछ ठिकाना नहीं, कोई महबूबे सुबहानी है तो कोई महबूबे इलाही है, और आपस में बहस मुबाहिसे भी है कि सुबहानी बड़ा है कि या महबूबे इलाही बड़ा है। कोई कह रहा है वो सिफात के महबूब है, कोई कह रहा है कि ये जात के महबूब है। और उनसे महबूब से जब पूछा गया, अगर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से, कि शेख अब्दुल कादिर का मर्तबा और हुजूर का मर्तबा दोनों महबूब है, लोग मखलूक आपको महबूब कहती है। फरमाया के दोनों ही महबूब हैं। वो घरदारी वाले हैं, हम आग लगे। नहीं तो जो खानादान होता है उसका मकाम और होता है, और जो आग लगा होता है का जानते हो, मोबाइल पर तो बहुत चल रहा है, उसके ज्यादा तवज्जो मबजूल होती है। घरवाली से इज्जत होती है और बाहर वाले से प्यार ज्यादा होता है। मतलब ये है कि महबूबे इलाही ने गौसे पाक के मर्तबे को भी उजागर कर दिया और अपनी महबूबियत को भी अजीब अंदाज में बता दिया, समझे? बहरहाल साबिर साहब जो अपने फाता गए तमाम किए हुए, उधर महबूब इलाही तरह तरह के खानों से अपने दस्तरखान को सजाए इस इंतजार में है कि बुजुर्गान दीन की अरवाह का तशरीफ की तशरीफ आवरी हो जाए, उनकी हाजिरी हो जाए तो हम फतहा करें। बहुत देर हो गई तो आपने इसका सबब मालूम किया। जब लोग बुजुर्गान दीन वहां तशरीफ ले आए तो आपने उनसे जिस हालात में हो आपने पता चला कि सारे के सारे लोग साहब ने बोली
तो भाई शिवजी के पांजा हो या कोई हो या ना हो, भीड़ भाड़ तो कुछ नहीं होता। सालों साल का तुम्हारा इलाज है, ये भी मुझे थे इलाज जाने बहुत से थे। अभी ये भी हमारे बदायूं शरीफ के हैं सुल्तानुल आरिफीन साहब, इनके ताल्लुक से भी सुना है, उनके भी ये भी मुझे थे। हर हाल मरीजों की तादाद और पब्लिक पर कुछ इंसान नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी पे पता के लिए हम तैयारी में हैं, हो गया साझा करने जा रहे हैं और जगह पर जगह जहाँ कहीं जो तमाम और इंतजाम किए बैठे हैं उनको भी शामिल करते हैं अपने इस बजने में और इस बजने में। दो लोग हालात की वजह से हाजिर नहीं हो सके हैं, उनकी भी हाजिरी यकीनी है, इसलिए कि और बहुत जगहों के फूल भी आए हैं अभी कि हमने यहाँ पर मस्जिदों में या अपने अपने जगहों पर इस्तेमाल किया है। बहरहाल इस वक्त जो कुछ भी मोबाइल के ताल्लुक से बताया गया उस पर आप जरूर ध्यान देना और समझ लेना।